आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। यूपी बोर्ड द्वारा हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को अंक न देने पर विद्यार्थियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थियों ने चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस की अगुवाई में सोमवार को जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम हस्ताक्षर अभियान चलाकर डीएम प्रभु नारायण सिंह से मुलाकात कर उनके सामने अपनी व्यथा को बताई। हाथों तख्तियां और नारे लगाकर बच्चों ने मुख्यमंत्री से अंकों की मांग की। आगरा जिले में लगभग 1500 बच्चों को अंक नहीं मिले हैं, उन्हें प्रमोटर लेखकर कोरी मार्कशीट समा दी है। लगभग 5 दर्जन छात्र छात्राएं डीएम से मिलने की जिद कर रहे थे, लेकिन डीएम कार्यालय से केवल 2 बच्चों को बुलाया गया। दिव्या सिंह तथा सुहानी पिप्पल ने नरेश पारस के साथ डीएम प्रभु नारायण सिंह से मुलाकात की। वह डीएम को अपनी व्यथा बताते भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल की बिना अंकों की मार्कशीट से वह हमेशा के लिए मेरिट सूची से बाहर हो जाएंगी। वह कभी भी महाविद्यालय में प्रवेश तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरिट सूची की पात्रता से वंचित हो जाएंगी। उन्होंने अपनी कोरी मार्कशीट दिखाते हुए कहा कि सर प्लीज हमें अंक दिलवा दीजिए। डीएम ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। मैं इस समय कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। सन 2020-21 में हम अपने हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल के कारण हमारी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। समय आने पर हमें बताया गया कि हमारे जो नंबर हैं वो 9th की परीक्षा और हाई स्कूल बोर्ड की प्री बोर्ड जो होते हैं उनके आधार पर हमारे नंबर दिए जाएंगे। उसके अनुसार 50 लाख बच्चों के नंबर आए हैं, लेकिन उसमें से हमारे नंबर नहीं आए। हमारी ये मांग है कि हमारे नंबर जब मार्कशीट में आए नहीं है तो ना हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, जिससे मेरा भविष्य खतरे में है। मेरे अपने हाथों में केवल निराशा नजर आ रही है। मैं चाहता हूं कि मार्कशीट पर मेरे नंबर आए और मैं अपने कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर सकूं, जिससे भविष्य में मैं जो भी बनना चाहता हूं उसमें मेरे को बनने में कोई दिक्कत ना आए। मेरा नाम मुस्कान बघेल है और मैं इंटर क्लास की छात्रा हूँ और यहाँ हम डीएम साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं। हमें 2020 और 2021 में बोर्ड के पेपर चल रहे थे तो उसमें हमें मार्क्स नहीं मिले। हम डीएम सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें हमारे अंक प्रदान करें, जिससे हमारा भविष्य में हमें कोई तकलीफ ना हो और हम भी साक्षर हो सके। मैंने सर जो 2020-21 में हाई स्कूल की थी, हाई स्कूल मेरे अंक नहीं आए हैं, केवल मार्कशीट में प्रमोटेड आया है और मार्क्स की जगह पर एक्सेस बने हुए आए हैं। जब हमने स्कूल वालों से कहा कि हमें मार्क्स दो, तो स्कूल वालों ने कम से कम 1-1.5 साल तक तो डाला ही, आपके मार्क्स मिल जाएंगे, हमने केस कर रखा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हम डीआई ऑफिस भी गए थे, अब हम डीएम ऑफिस आए हुए हैं। वहाँ पर हम डीएम साहब से मिले थे, उन्होंने ये कहा है कि हाई स्कूल की मार्कशीट यूज़ तो होती नहीं है कहीं पर। फिर हमने कहा कि नहीं सर, यूज़ होती है जॉब वगैरह के लिए। हाई स्कूल की मार्कशीट इंटर में भी यूज़ होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इंटर की मार्कशीट ज़रूरी होती है। फिर हमने उनसे बार बार समझाया उन्हें, तो वो ये बोलते हैं कि मैं स्कूल वालों से कहूँगा और बोर्ड से ये कहूँगा कि आपको नंबर दिए जाए। चाइल्ड एक्टिविस्ट नरेश पारस ने जिलाधिकारी को तथ्यों से अवगत कराते हुए कहा कि सत्र 2020-21 में यूपी बोर्ड ने प्रदेश के सभी विद्यालयों से कक्षा 9 तथा हाई स्कूल प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंक मांगे थे, जिसके आधार पर हाई स्कूल के बच्चों को नंबर दिए गए थे। बोर्ड ने बताया कि जिन स्कूलों से अंक प्राप्त हुए थे उनको अंक दे दिए गए हैं, जिन्होंने अंक नहीं भेजे थे उनको केवल प्रमोट किया गया है। स्कूल संचालकों का कहना है कि उन्होंने बोर्ड को नंबर भेजे थे, जब स्कूलों ने नंबर भेजे और बोर्ड को नहीं मिले तो आखिर नंबर गए कहां। बोर्ड द्वारा तर्क यह भी दिया जा रहा है कि जिन विद्यालयों ने पूर्णांक 70 में से प्राप्तांक दिए थे उनको समायोजित कर लिया गया है, जिन्होंने 100 पूर्णांक में से अंक दिए थे उन पर विचार नहीं किया गया, जबकि बोर्ड का आदेश था कि 100 अथवा 70 पूर्णांक में से बच्चों को अंक दिए जा सकते हैं। स्कूलों द्वारा भरे गए अंकों को भी बोर्ड के पोर्टल ने सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया था, इसके बावजूद भी इन बच्चों को कोरी मार्कशीट थमा दी गई। जिन विद्यालयों ने अंक नहीं भेजे गए थे उनकी सूची भी जारी हुई थी, उस सूची में इन विद्यालयों का नाम नहीं था। इसका अर्थ यह है कि इन छात्रों के विद्यालयों ने अंक भेजे थे। गलती किसी की भी हो, लेकिन भविष्य बच्चों का खराब हो रहा है। सत्र 2020-21 में यूपी बोर्ड ने कहा था कि जिन बच्चों के हाई स्कूल की प्री बोर्ड और 9th के एग्जाम के आधार पर उनको मार्क्स दिए जाने थे, लेकिन उसमें से कुछ स्कूलों ने मार्क्स नहीं भेजे थे और जिसकी वजह से बच्चों को प्रमोटेड कर दिया गया, तो उनको मार्क्स नहीं भेजे गए थे। तो ऐसे में जब जानकारी की गई तो यूपी बोर्ड ने कहा
कि इन बच्चों ने जिन स्कूलों ने मार्क्स भेजे थे बच्चों के उनको हमने मार्क्स दे दिए, जिन्होंने नहीं भेजे थे उनको केवल प्रमोटेड किया गया। स्कूल वालों ने संपर्क किया गया था, स्कूल वाले बता रहे हैं कि हमने मार्क्स भेजे हैं, बोर्ड कह रहा है हमें नहीं मिले, तो आखिर में ये अंक गए कहाँ? इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बच्चे बीच में फिस रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो आज इन बच्चों के साथ में यहाँ जिला मुख्यालय पर हम लोग आए हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इन बच्चों को मार्क्स दिए जाएं जिससे इनका भविष्य संवर सके, क्योंकि बिना अंकों के इनकी मार्कशीट के हिसाब से इनकी मेरिट नहीं बन पाएगी और ये हमेशा हमेशा के लिए मेरिट सूची से बाहर हो जाएंगे और ये पूरी मार्कशीट इनके कोई काम की नहीं है। तो शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इन बच्चों को मार्क्स दिए जाएं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की।